नाजरीन मोहतरम, तमाम ममालिक के हालात कशीदा से कशीदा तर होते जा रहे हैं। खित्ते में एक बड़ी जंग का खतरा मंडलाता नजर आ रहा है। बेचारे फलस्तीनियों की अहो बका का कोई भी सहारा नहीं बन रहा। जहां तमाम मुस्लिम ममालिक को एक होकर इसराइल को ख़त्म करना चाहिए, वहां कोई मुस्लिम मुल्क बेतहाद नहीं कर रहा। इसी दौरान एक मुस्लिम सुपर पावर मुल्क का हीरो जो कि हर कदम पर फलस्तीनियों का साथ दे रहा है, वो है तैयब अर्दोगान, जिसने इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। नाजरीन मोहतरम, अब तक की सबसे बड़ी खबर दोस्तों, तैयब अर्दोगान की हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। तुर्की और इसराइल में हालात इंतहाई कशीदा हो चुके हैं दोस्तों। तैयब अर्दोगान ने अपनी हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा ऐलान किया है जिससे खित्ते में बड़ी जंग का खदशा हकीकत में बदलता दिखाई दे रहा है दोस्तों। हर गुजरते वक्त के साथ साथ इसराइल के हवाले से सूरत हाल तेजी से बदल रही है। इसराइल ने गजा पर रात भर फजाई कार्रवाई की है और फलस्तीनियों पर जुल्म की इंतहा कर रहा है। दूसरी तरफ इसराइल ने शाम में मौजूद तुर्की की फौज पर मिसाइल हमला किया है, जिसकी वीडियो भी सामने आ चुकी है। नाजरीन मोहतरम, तुर्की ने इस हमले का फौरन जवाब देने का फैसला करते हुए शाम में अपनी 25,000 फौज को फौरन रवाना कर दिया है, जिसके बाद खित्ते की सूरत हाल मजीद नाजुक हो चुकी है और तमाम मुस्लिम ममालिक इस जंग की लपेट में नजर आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी तक फलस्तीन के हक में पाकिस्तान की जानिब से कोई भी ऐसा रद्द अमल या फिर बयान सामने नहीं आया कि हम इसराइल पर हमला करेंगे। दोस्तों, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों से शेयर कीजिए, और फलस्तीन जिंदाबाद का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा।